नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। एक ही भर्ती प्रक्रिया के तहत हो पूरे प्रदेश में वन रक्षकों की भर्ती। जी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन रक्षकों की वरीयता सूची के मामले में राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वो वन रक्षकों की भर्ती एक ही भर्ती प्रक्रिया के तहत करें। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि यदि वन विभाग में वन रक्षकों की भर्ती की जाती है तो सभी वन सर्किल में एक जैसे नियम होने चाहिए। पूरे प्रदेश में भर्ती के लिए विज्ञापन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और परिणाम एक ही समय में हो, एक ही दिन सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाए ताकि उनकी वरीयता में विरोधाभास न हो। इसके साथ ही वन रक्षकों की वरीयता सूची में विरोधाभास को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता इंतजार और 55 अन्य ने वन रक्षकों की वरीयता सूची में विरोधाभास को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के वर्दी भत्ते में 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी। जय, हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा अफसरों के वर्दी भत्ते में 4 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। अब इन्हें 3675 के बजाय 15,000 रुपये सालाना वर्दी भत्ता मिलेगा। इस फैसले से 181 पुलिस अधिकारियों को फायदा होगा। इनमें DSP से लेकर HPS पुलिस अधीक्षक लाभान्वित होंगे। इसके अलावा 16 पुलिस उप अधीक्षकों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने पीटर हॉफ में आयोजित पुलिस अधिकारियों के कार्यक्रम में की। हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला परमाणु फॉरलैंड से कब्जे हटाने के दिए आदेश। जय, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला परमाणु फॉरलैंड से कब्जे हटाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि फॉरलैंड निर्माण के लिए जिन्हें मुआवजा दे दिया गया है उनके कब्जे तुरंत प्रभाव से हटाए जाएं। अदालत ने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 13 सितंबर को तलब की है। आपको बता दें कि अदालत के आदेशों की अनुपालना में फॉरलैंड का निर्माण कर रही KMC कंपनी के प्रबंधक निदेशक कोर्ट में पेश हुए। इसके साथ ही अदालत ने कंपनी के प्रबंधक निदेशक को आदेश दिए हैं कि वह शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताएं कि अवार्ड किया हुआ फॉरलैंड का निर्माण कब तक पूरा होगा। शिमला शहर में पानी के लिए हाहाकार, बंद करने पड़े होटल और ढाबे। जय, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पानी के लिए हाहाकार मच गया है। शहर के ज्यादातर इलाकों में सोमवार को चौथे और पांचवें दिन भी पानी नहीं आया। हालत यह था कि राजधानी के माल रोड से सटे मिडिल बाजार में कई होटल और ढाबे पानी न होने से बंद करने पड़े। गिरी और गुम्मा से शिमला शहर के लिए पानी की सप्लाई तो शुरू हुई लेकिन संजोली टैंक से बिछी मेन पाइपलाइन में हवा भरने से रिच टैंक तक पानी नहीं पहुंचा। दोपहर 2 बजे तक रिच टैंक खाली रहा। हालत यह थी कि टैंकर भरने तक के लिए इस टैंक में पानी नहीं बचा, इससे रिच पर टैंकरों की लंबी लाइन लग गई। उधर दोपहर तक घरों में पानी की सप्लाई नहीं मिली तो जाखू 103 टनल, लोअर बाजार और कृष्णा नगर से लोग कंट्रोल रूम में पहुंचना शुरू हो गए। पानी के बारे में पूछा तो जवाब मिला कि टैंकर खाली है, शाम तक पानी देंगे लेकिन कितने बजे आएगा इसका पता नहीं। स्वीकृत नक्शों और स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट वाले भवनों पर ही लगेंगे मोबाइल फोन टावर। जय, हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत नक्शों और स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट वाले भवनों पर ही मोबाइल फोन टावर लगेंगे। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने टावर लगाने वाली राइट ऑफ वे पॉलिसी 2021 संशोधित कर दी है। शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत नक्शों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट की शर्त लगा दी है। अब टेलीकॉम ऑपरेटरों के टावर लगाने के ऑनलाइन आवेदन भी 60 दिनों से ज्यादा लंबित नहीं रहेंगी। आपको बता दें कि प्रधान सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी डॉक्टर रजनीश की ओर से सोमवार को राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। हिमाचल के हर गांव में होगा बैंक मित्र, 18 साल आयु पूरे करने वाले का खोलेंगे खाता। जय, हिमाचल के हर व्यक्ति तक बैंक की सुविधा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने बैंक मित्रों की नियुक्ति करने का फैसला लिया है। 18 साल की आयु पूरे करने वाले का जन धन खाता भी खोलने के निर्देश दिए हैं। शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत केशव राव कराड़ ने हिमाचल के बैंकों की यह लक्ष्य दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि गांवों में टच पॉइंट बनाकर हर व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाई जाएगी। ऐसे गांव जहां बैंकों की शाखाएं नहीं है वहां बैंक मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। IPS प्रीति बोली, महिला पुलिसकर्मी से कोई नहीं करना चाहता है शादी। जब देश की महिला पुलिस कर्मचारियों को कार्यालयों या फील्ड में ही नहीं परिवार और समाज में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महिला अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे व अंतिम दिन राजस्थान की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रीति चौधरी ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने बताया कि सब इंस्पेक्टर बनने के बाद उनसे कोई शादी नहीं करना चाहता था। शादी के लिए जो रिश्ते आते थे उन्हें लगता था कि पुलिस वाली है, ड्यूटी के लिए ज्यादातर घर से बाहर ही रहना पड़ेगा। रिश्ते के लिए उनके परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बाद राज्य सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात हुई।
संशोधित वेतनमान, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मिल सकती है 50 से 75 हजार रुपये के एरियर की पहली किस्त। जी, हिमाचल प्रदेश सरकार संशोधित वेतनमान के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को 50 से 75 हजार रुपये के एरियर की पहली किस्त दे सकती है। सितंबर के दूसरे सप्ताह में कर्मचारियों को एरियर की पहली किस्त देने की तैयारी है। वहीं प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को पहली किस्त में 30 से 50 हजार रुपये देने पर मंथन जारी है। आपको बता दें कि सितंबर में ही दूसरी किस्त देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर सकते हैं। मंगलवार को राज्य सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारी एरियर की गणना में जुटे रहे। चर्चा है कि अधिकारियों की जगह पहले कर्मचारियों को अधिक एरियर दिया जाएगा। एक दो दिन के भीतर इस बाबत अंतिम फैसला हो जाएगा। हिमाचल में दो दिन भारी बारिश का अलर्ट, चंबा में स्कूलों को लेकर नए आदेश। जी, हिमाचल प्रदेश में दो दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 24 और 25 अगस्त को कई भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। प्रदेश में 29 अगस्त तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। वहीं बारिश के बाद धूप खिलते ही जमीन दरकने लगी है। मिट्टी सिकुड़ने से भूस्खलन के मामले बढ़ गए हैं। मंगलवार को प्रदेश में 38 मकान और 77 गौशालाएँ क्षतिग्रस्त हुई है। प्रदेश में 79 सड़कों और वाहनों की आवाजाही ठप है। वहीं 86 बिजली ट्रांसफार्मर और 85 पेयजल योजनाएँ भी बंद है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी गठित, दीपा दास मुंशी अध्यक्ष। जय, कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के चयन के लिए मंगलवार को स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रभारी दीपा दास मुंशी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। आपको बता दें कि प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया में कमेटी की अहम भूमिका रहेगी। लोक सेवा आयोग पर ही भर्ती नियमों के उल्लंघन का आरोप। जय, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। मुख्यमंत्री न्यायाधीश ए.एस. सैयद और न्यायाधीश जतोसना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि आयोग में सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की नियुक्ति अदालत के आगामी आदेशों के बिना नहीं होगी। आयोग में कार्यरत जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर शालिनी शर्मा ने आयोग में सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी है। आपको बता दें कि आरोप लगाया गया है कि आयोग इस भर्ती प्रक्रिया को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत कर रहा है। नियमों के अनुसार सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की भर्ती 100% पदोन्नति के आधार पर किए जाने का प्रावधान है। हिमाचल स्कूलों और कॉलेजों में वर्चुअल कक्षाओं से हो रही पढ़ाई पर निदेशालय की रिपोर्ट तलब। जी, प्रदेश के सरकारी स्कूल और कॉलेजों में वर्चुअल कक्षाओं से हो रही पढ़ाई पर रिपोर्ट तलब की गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेज और स्कूल प्रिंसिपलों से एक सप्ताह में इस बाबत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। प्रदेश के 104 स्कूलों और 75 कॉलेजों में सरकार ने वर्चुअल क्लासरूम बनाए हैं। आपको बता दें कि सितंबर से इन शिक्षण संस्थानों के निरीक्षण के लिए शिक्षा निदेशालय से टीमें भी भेजी जाएंगी। जिस स्कूल में पढ़े उसी को राजपाल सिंह राणा ने लिया गोद, 30 लाख की मदद दी। जय, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपमंडल बंगाना की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अरलू स्कूल के पूर्व छात्र राजपाल सिंह राणा ने स्कूल को गोद लिया है। अब तक करीब 30 लाख रुपए की राशि भेंट कर चुकी है। उन्होंने भविष्य में भी इसी प्रकार के सहयोग देने का आश्वासन दिया। राजपाल सिंह राणा कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के अरलू पंचायत के रहने वाले हैं। राजपाल सिंह ने बताया कि 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई उन्होंने अरलू स्कूल से ही की है। वह इस समय दिल्ली में एक निजी कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने कहा है कि इसी स्कूल के अध्यापकों के मार्गदर्शन और माता पिता के आशीर्वाद के लेकर वह इस मुकाम तक पहुँचे हैं। लोहे की रॉड से हमला कर बेटे ने मार डाला पिता, गिरफ्तार। जय, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पंचायत लंबा गांव के टिकरी कामा हरनू में एक युवक ने अपने पिता के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी की पहचान सचिन राणा के रूप में हुई है। इस संदर्भ में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस के अनुसार आरोपी सचिन ने मंगलवार को अपने पिता रवि राणा पर हमला कर दिया। रवि लहूलुहान हो गया और अचेत हो गया। बेटे को हमला करते मां ने देख लिया और शोर मचाया। इस पर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने इसकी सूचना लंबा गांव पुलिस को दे दी। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। कांगड़ा में दो बहनों को तंग करने व परिवार को मारने के युवक ने दी धमकी। जय, कांगड़ा पुलिस ने एक युवक के खिलाफ गालियां देने, अश्लील बातें करने, अश्लील मैसेज भेजने व परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकियां देने का मामला दर्ज किया है। युवक के खिलाफ यह मामला कांगड़ा की दो युवतियों ने दर्ज करवाया है। दो युवतियां आपस में सगी बहनें हैं। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी कांगड़ा विजय शर्मा ने बताया कि दो युवतियों ने पुलिस थाना कांगड़ा के बीती रात शिकायत दी कि जिला कांगड़ा के एक युवक अजय ठाकुर उन्हें मोबाइल में गालियां, अश्लील बातें, अश्लील मैसेज भेजने व उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। दोस्तों, आज की इस खबरों का सिलसिला यहीं खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।